ओम गणेशाय नमः, ओम गणपतये नमः। गणपति वाय एस्ट्रोलॉजी से मैं एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर डॉक्टर AK चौबे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों हाजिर हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपसे फिर चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय क्या है कि मार्च 2023 की विभिन्न राशियों का राशिफल कैसा रहेगा, वो चर्चा करते करते हम आखिरी राशि यानी मीन राशि पर आ गए हैं। तो मीन राशि के लिए हम चर्चा करें। मित्रों देखिए, घर में किसी से तनाव रह सकता है, तनाव की स्थिति घर में रहेगी। आपके रिश्तेदार आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयत्न करेंगे, ऐसे में आपने समझदारी से काम लिया तब तो ठीक रहेगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। देखिए पास पड़ोस के लोगों से भी आपके रिश्ते कुछ कमज़ोर हो जाएंगे और अनबन रहेगी, पड़ोसियों से भी थोड़ा सा रिश्ते कमज़ोर रहेंगे। और परिवार में भी राहु तथा शुक्र के द्वितीय भाव में होने से परिवार में संबंध भी बिगड़ सकते हैं। माह के अंत में परिवार में धार्मिक अनुष्ठान होने के कारण आपका थोड़ा व्यय भी खर्चा भी बढ़ जाएगा। आपके परिवार की किसी की नज़र लगी हुई है तो अपने परिवार की नज़र उतारिए। इसके लिए सभी की नज़र उतार करके हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाइए तो सभी को सामान्य हो जाएगा। व्यापार में साझेदार से बनाकर रखिएगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। पार्टनर पूरा सहयोग करें, इसके लिए मीठा बोलना जरूरी है। मीठा बोलेंगे, अच्छा बर्ताव रखेंगे तो बिजनेस ठीक चल सकता है, वरना धोखा मिल सकता है। या नौकरी की तलाश में है तो नए नए लुभावने ऑफर आ सकते हैं, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा अन्यथा परिणाम ठीक नहीं आएगा। सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा, फायदा होगा। पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई से मन तो उछटेगा लेकिन फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेम संबंध में अगर किसी से है तो सफलता मिलेगी, ऑलरेडी प्रेम चल रहा है तो प्रगाढ़ता आ जाएगी। सिंगल लोग हैं तो उनका रिश्ता तय हो जाएगा। विवाह की और ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ सकती है। देख घुटनों में थोड़ा दर्द, सर में दर्द की समस्या बढ़ेगी। सुबह की सैर करना बहुत जरूरी है। कैरियर का ग्रह शनि 12th हाउस में है तो इस कारण से कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ साथियों का सहयोग नहीं मिलेगा। कैरियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। काम का अधिक दबाव नौकरी बदलने को मजबूर कर सकता है। व्यवसाय में रत व्यक्तियों को यह महीना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण लगेगा। व्यापार में लाभ या हानि की संभावना बराबर है, लाभ भी उतने होगा हानि भी, यानी खर्चा भी ज़्यादा होगा आमदनी भी होगी, बचत नहीं होगी। आर्थिक स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगी। ग्रहों की स्थिति के कारण महीना चुनौतीपूर्ण रहेगा। घरेलू खर्च भी ज़्यादा होंगे। मानसिक तनाव की समस्या आ सकती है। तो अपना अच्छा स्वास्थ्य रहे इसके लिए ध्यान लगाना जरूरी है। एक तो मानसिक जो है शांति मिलने के लिए मेडिटेशन करिए। शुक्र का अष्टम भाव में स्वामी के रूप में द्वितीय भाव में बीस की वजह से प्रेम और रोमांस थोड़ा सा परेशान करेगा। वैवाहिक जीवन में शांति नहीं मिलेगी, तनाव रह सकता है। प्रेम रोमांस में शांति नहीं और वैवाहिक जीवन में शांति नहीं। द्वितीय भाव में राहु के बारे में शनि परिवार में सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। तो केवल बृहस्पति हैं आपके इसमें, जो लग्न में बृहस्पति अब जब तक मार्च भाव पूरे मार्च महीने रहेंगे, अप्रैल में बदलेंगे वो, तो लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो वही केवल लग्न में बैठे हैं। और पंचम पर दृष्टि जाएगी, सप्तम पर दृष्टि जाएगी और नवम पर, तो खाली बृहस्पति की स्थिति आपके अच्छी है, बाकी सारा ग्रह गोचर अच्छा नहीं है। तो केवल बृहस्पति लग्न में बैठ करके अच्छी दृष्टि डाल रहे हैं और लाभकारी हो रही हैं। और देखिए लक्ष्मी नारायण की उपासना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें तो लाभ मिल सकता है आपको। हनुमान जी की पूजा करें तो लाभ मिल सकता है। मित्रों तो मित्रों अभी मैं यहाँ विराम लूँगा, आगे आऊँगा तब फिर और कुछ चर्चा करूँगा। नमस्कार।